नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी भारत की स्थिति पर लगातार बयान दे रहे हैं। कभी वो देश की जीडीपी के गिरते आंकड़ों के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो कभी उन्हें स्थिति को जल्द सुधारने की हिदायत देते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है, साथ ही सरकार को सलाह भी दी है। देश में आई आर्थिक मंदी को लेकर जहां विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है, जनता सुधार की उम्मीद में है, तो वहीं आर्थिक विशेषज्ञ सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब के बीच अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अभिजीत बनर्जी ने भी भारत की गिरती अर्थव्यवस्था पर सरकार को घेरा है। आज भी उन्होंने आर्थिक सुस्ती को लेकर बड़ा बयान देते हुए मोदी सरकार को सलाह दी है। अभिजीत बनर्जी ने कहा कि भारत मंदी के दौर से गुजर रहा है, आंकड़ों में ऐसा बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इस बार की को 1991 से भी खराब बता दिया है। अभिजीत ने कहा कि इस समय के जो डेटा सामने आ रहे हैं वो 1991 के डेटा से भी बदतर हैं। हमारा निवेश, आयात और निर्यात 1991 से भी खराब स्थिति में है। उस साल भी हम मंदी के दौर में थे। दरअसल कोलकाता में एक साहित्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बनर्जी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार को बैंकिंग सेक्टर में पूंजी डालने पर ध्यान देना चाहिए, जो मुश्किल में चल रहा है। बनर्जी ने कहा कि मैं ये कह सकता हूं कि ये मंदी का दौर हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ये कितना है। आंकड़ों में ऐसा कुछ नहीं है कि जो बताए कि मंदी नहीं है। हाल ही में सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती किए जाने पर बनर्जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर नकदी के ढेर पर बैठा है। बनर्जी ने केंद्र सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमें उनकी बात पर गौर करना चाहिए। उन्होंने सरकार को कई सुझाव दिए थे। बनर्जी ने इस बात की वकालत की कि धनी लोगों पर वेल्थ टैक्स लगाया जाना चाहिए और धन का पुनर्वितरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में मौजूदा असमानता के हालात को देखते हुए एक वेल्थ टैक्स लगाना पूरी तरह से समझदारी वाली बात है। ऐसे हालात में ज्यादा पुनर्वितरण की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी होने वाला है। अर्थशास्त्री बनर्जी ने कहा कि बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सरकार से ज्यादा फंडिंग की जरूरत है। अब अभिजीत बनर्जी हो या फिर देश के बाकी अर्थशास्त्री, वो लगातार सरकार को स्थिति संभालने के लिए सलाह तो दे रहे हैं, लेकिन हालात बता रहे हैं कि सरकार सलाह लेने के मूड में कतई नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।